अज के समागम बारे मेजर एपी सिंह जी ने अज के विद्वानों बारे जान पछाण करवा दी है। मैं सिर्फ जो सारा साल नाभा विखे भाई साहब की याद के समागम करवाए गए हैं उन्हां बारे संखेप जी जानकारी देंगा। विश्व प्रसिद्ध विद्वान भाई कान सिंह नाभा जी के 150वें जन्मदिन मौके नाभा फाउंडेशन वालों करवाए जा रहे इस विशेष समागम की प्रधानगी कर रहे माननीय डॉक्टर जसपाल सिंह जी वाइस चांसलर साहब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, मुख्य मेहमान सरदार जय सिंह गिल जी, प्रधानगी मंडल ते इत्थे पहुँचे समूह लेखक इलाका निवासियों नूं इस समागम बारे ते सारा साल भाई साहब संबंधी करवाए गए समागमों बारे संखेप विच दसण दी खुशी ले रहा हां। भाई साहब दे 150वें साला समागम की लड़ी पिछले साल 30 अगस्त तो गुरद्वारा साहब घोड़ियावाला विखे अकाल पुरख वाहिगुरू अगे अरदास करके शुरू की गई। भाई साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ साहब के भोग उपरंत प्रसिद्ध हजूरी रागी भाई सरबजीत सिंह जी ने कीर्तन करके संगतों को निहाल किया। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ने भाई साहब बारे अपने विचार पेश किए। दूसरा समागम भाई कान सिंह नाभा रचना प्यार मंच वालों भाई साहब की जीवनी की रचना बारे नाभे के स्कूलों के विद्यार्थियों के भाषण मुकाबले रोटरी भवन विखे करवाए गए, जिन्हों मुकाबल 15 स्कूलों के तकरीबन 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। भाई कान सिंह नाभा रचना प्रचार मंच वालों ही मिती 24 अक्तूबर 2010 में भाई साहब को समर्पित 15वां नाभा कविता उत्सव करवाया गया, जिसकी प्रधानगी प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा ने की। मुख्य मेहमान प्रसिद्ध कवि सुरजीत पात्र जी सन। इस नाभा कविता उत्सव नारी कविता से विशेष सी, जिस विच तकरीबन 50 तों वध कवित्रियां ने भाग लिया। अगला समागम नाभा सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल क्लब वालों भाई साहब को समर्पित कॉलेज ग्राउंड नाभा विखे एक विशाल खूनदान कैंप लाया गया, जिस विच लगभग 100 खूनदानियों ने अपना खूनदान किया। नाभा सोशल वेलफेयर वालों ही 19वां मेला नाभे का दौरान भाई काम सिंह नाभा पुरस्कार प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रतन सिंह जग्गी जी को प्रदान किया गया। भाई कान सिंह नाभा यादगारी लाइब्रेरी का नींह पत्थर 28 जुलाई को नाभा विखे माणयोग मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी ने अपने करकमलों नाल रखिया। लाइब्रेरी का काम शुरू हो चुका है और यह लाइब्रेरी जनवरी 2012 तक मुकम्मल हो जाएगी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वालों भी माणयोग डॉक्टर जसपाल सिंह जी की अगवाई हेठ जिक्र योग कार्य होए हैं। इन सब कार्यों लिए डॉक्टर जसपाल सिंह जी की बेहद प्रशंसा करनी बनती है। विस्थार में डॉक्टर जसपाल सिंह जी अपने प्रधानगी भाषण में खुद दसणगे। डॉक्टर जसपाल सिंह के यत्न सदका यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अत आधुनिक बना के बहुत सुंदर बना के उस लाइब्रेरी का नाम भाई कान सिंह नाभा लाइब्रेरी रखा गया। भाई साहब का स्टैचू भी उस लाइब्रेरी के मुख्य द्वार से सुशोभित किया गया। इस विलखण लाइब्रेरी का उद्घाटन माणयोग मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी ने किया। डॉक्टर जसपाल सिंह जी की सुगड़ अगवाई हेठ मिति 23 और 24 नवंबर में एक नैशनल सैमीनार भाई कान सिंह नाभा को समर्पित किया गया। शंख शास्त्र से करवाए इस सैमीनार में बहुत सारे विद्वानों ने परचे पढ़े। प्रधानगी डॉक्टर सतेंद्र सिंह नूर होरां ने की। विशेष मेहमान सरदार सेवा सिंह सेखवां जी सन। सानू यह दस के खुशी होंगी है कि डॉक्टर साहब के यत्न सदका ही भाई साहब जी की विश्व प्रसिद्ध रचना महान कोश पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों अंग्रेजी हिंदी पंजाबी विच 4 वॉल्यूम के छापी जा रही है। अंग्रेजी विच 3 वॉल्यूम छप चुके हैं, चौथा जल्दी रिलीज़ होने वाला है। होर भी जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी वालों उलीके गए हैं या करवाए जा रहे हैं उन्होंने बारे डॉक्टर जसपाल सिंह जी को दसणगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वालों भी 24 और 25 मार्च में 2 दिन सैमीनार
भाई कान सिंह नाभा सिख धर्मां दे लई योगदान विषय ते करवाया गया जिस विच प्रसिद्ध विद्वानां ने अपने विचार पेश किए। एक समागम गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ वालों भी भाई साहब के बारे करवाया गया। होर भी कई प्रोग्राम पंजाब दीआं साहित्यक समाजिक धार्मिक ते सभ्याचारक संस्थावां वालों करवाए गए। अज दा इह विशेष समागम भी नाभा फाउंडेशन वालों करवाया जा रहा है ते इस विच पहला समागम शुरू हो चुका है जिसकी सारी रूपरेखा आपने सुन ली है ते दोपहर तो बाद दूसरे सैशन विच प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर केवल धालीवाल जी की निर्देशना हेठ रंगमंच अमृतसर वालों शिव कुमार बटालवी की प्रसिद्ध रचना लूणा ते आधारित नाटक खेडिया जाएगा। ते अज के समागम तो बाद भाई कान सिंह नाभा रचनाचार मंच वालों भाई साहब जी के 150वें साल समागम की समाप्ति ते गुरुद्वारा साहब घोड़ियावाला विखे मिति 2/9/11 में श्री अखंड पाठ साहब के अखंड पाठ साहब शुरू होंगे ते 4 सितंबर ऐतवार को अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे जिस विच प्रसिद्ध कीर्तनी कीर्तन करेंगे विद्वान अपने विचार पेश करेंगे। आप सब उस धार्मिक समागम में भी पहुँचने की बेनती की जाती है। अंत में मैं अपन सारिया सहयोगी संस्थावान जिमें नाभा सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल क्लब नाभा फाउंडेशन भाई कान सिंह नाभा रचना विचार मंच सीनियर सिटीजन एसोसीएशन अमल सोसायटी नाभा नाभा कम्यूनिटी डिवेलपमेंट फाउंडेशन इन सारिया सहयोगी संस्थावान का धन्यवाद करता हाँ जिड़े कि हमेशा ही साढ़े नाल खड़े ने तो सारे समागमों को सफल करने सानू बहुत सहयोग दिता है। आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।